सो फाइनली गाइस आ गया है भारत सरकार द्वारा न्यू एंड लीगल टैक्सिंग कंपनियों का नेम लिस्ट 2023-24 जो कि अभी मेरे हाथ में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे 10 से 12 पेज का है, ठीक है। इसमें उन सभी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं जो प्रॉपर तरीके से भारत सरकार द्वारा दिए गए रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन को प्रॉपर फॉलो करती हैं। ईडी अब खुलकर कार्रवाई कर रहा है, उसके हाथ खुल गए हैं। ईडी की कार्रवाई एक अच्छी शुरुआत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत अच्छी मुहिम है जो पूरे देश में होनी चाहिए और सबके खिलाफ होनी चाहिए कि ईडी के अब हाथ जो बंधे हुए हाथ थे वो खुल गए हैं, ईडी आजाद हो गया है और अब ईडी और गाइस ये आपको अच्छे से पता है कि जो भी एमएलएम कंपनीज अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है तो वो पूरी तरीके से इनलीगल मानी जाएंगी, तो आपका टाइम पैसा सब कुछ वेस्ट जाएगा। तो इसलिए इसको चेक करना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गाइस अगर आपको भी ये लगता है कि आप इसको पहले से देख चुके हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है। गाइस मैं शॉक्ड हो गया कि जब मैं इसको पहली बार देखा, क्योंकि इसके पहले जो कंपनियों का नेम लिस्ट था उसमें जो टोटल कंपनी थी वो 470 थी, आई मीन 470 थी, लेकिन इसमें सिर्फ 420 है, मतलब कि पूरे 50 कंपनी हट चुकी हैं। वो रजिस्टर्ड है या नहीं है अभी तक ये कंफर्म भी नहीं है और उन कंपनियों का इसमें नाम नहीं है। और जिस कंपनियों का इसमें नाम है वो कंपनी पूरे तरीके से भारत सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन को प्रॉपर फॉलो करती हैं। तो दोस्तों अब समस्या ये है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं पूरे ईमानदारी पूरे होनेस्टली के साथ पूरे ट्रस्ट विश्वास के साथ वो कंपनी रजिस्टर्ड ही ना हो, और जब ये आपको पता चले तब काफ़ी तकलीफ हो, क्योंकि तकलीफ वाली बात ही है। आप उसमें बिंदास काम कर रहे हैं लेकिन वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि गाइस इसमें आपका लाइफ कैरियर फ्यूचर टाइम और जो सबसे बड़ा चीज है वो है आपका ट्रस्ट आपका इसमें जुड़ा हुआ है। और गाइस एक बात और, इसमें हर एक कंपनियों को सीरियल वाइज रखा गया है न कि उनके रैंक वाइज से। ये लिस्ट किसी भी कंपनी को नंबर वन नहीं दर्शाता है, क्योंकि आज तक कोई भी एमएलएम कंपनी नंबर वन है नहीं और न ही इंडियन गवर्नमेंट किसी को सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि आपकी कंपनी नंबर वन है या फिर ये कंपनी नंबर वन है। और गाइस इसमें जितनी कंपनी रजिस्टर्ड है वो किसी भी प्रकार से गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको मोस्टली क्या क्या चेक करना है। तो इसमें आपको चार चीजें बहुत अच्छे से चेक करना है। पहला है कंपनी का नाम, दूसरा है कंपनी का सी नंबर जो कि यू से शुरू होता है, और तीसरा है कंपनी का हेड ऑफ ब्रांच, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि ये भी गाइडलाइंस में पूरी तरीके से फॉलो करना बताया गया है। और चौथा है कंपनी का प्री रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कि जो 2016 के बाद से रजिस्टर्ड हुई हैं। हालांकि रजिस्टर्ड तो पहले से हो चुकी हैं लेकिन जो 2016 के बाद से रूल्स आए थे उसके हिसाब से इसको रखा गया है। तो 2016 और 2021 कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 2021 में भी रजिस्टर्ड हुई हैं, यानी कि जो पिछला गाइडलाइंस रूल्स आया हुआ था। और जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं उस कंपनी को सीधा स्कैम स्पैम बताकर बायकॉट किया जाएगा, मींस कि उन कंपनियों को फ्रॉड माना जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप भी किसी फ्रॉड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए गाइस इसमें जो पूरे कंपनियों के नेम लिस्ट हैं वो अप्रोक्स 420 हैं, और ये इतना बड़ा लिस्ट है जिसे मैं हर कंपनियों का नाम नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ। आप आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप केयरफुली अपनी कंपनी का नाम चेक कर लें, और जहाँ आपको डाउट लगे वहाँ पर वीडियो को आराम से पॉज करना है और बी केयरफुली चेक करना है। देखो गाइस 5 मिनट 6 मिनट कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी कंपनी का नाम इसमें होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको चेक करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कल क्या पता हो कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं वो कंपनी रजिस्टर्ड ही ना हो, तो फिर यार क्या मतलब है कंपनी के साथ जुड़कर काम करना। आप नीचे से काम तो कर रहे हैं लेकिन ऊपर ही कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो मेन पॉइंट ये है कि आपकी कंपनी का नाम इस लिस्ट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और कल किसी और को इन्वाइट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिना टीम के आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, तो जब आप किसी और को इनवाइट करेंगे और वो बंदा आपसे पूछेगा कि भाई क्या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, और आप फटाफट लिस्ट निकालो और उसमें चेक करो, तो आप खोजने पर ये पाते हैं कि आपकी कंपनी का नाम इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस इसलिए अपने लिए ना सही लेकिन अपने आने वाली टीम के लिए, आने वाले टाइम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। तो फटाफट आइए देख लेते हैं कंपनियों का नेम लिस्ट।
सो फाइनली गाइस अभी आप चेक कर चुके होंगे कि आपकी कंपनी का नाम इसमें है या नहीं है, और अगर नहीं है तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रही हैं, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं पूरे लिस्ट को शो नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये कॉपीराइटेड है और इसका अधिकार मुझे नहीं है कि मैं पूरे लिस्ट को शो कर दूं। हालांकि जहां से मैं डाउनलोड किया था वो लिंक पब्लिक के लिए नहीं था, लेकिन मेरी टीम ने इसको कवर किया और आपके लिए अवेलेबल किए हैं। और एक खास बात की इस लिस्ट को गवर्नमेंट कभी भी पब्लिश नहीं करेगी, सिर्फ जो कंपनी के ओनर होते हैं उन्हीं को इसे दिया जाता है, या फिर कंपनी रजिस्टर्ड कराने के दौरान उन्हें एक वेबसाइट दिया जाता है जहां से उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है और वहीं से ये लिंक भी मिल जाता है। तो इसीलिए ये लिस्ट आपकी कंपनी के ओनर के पास जरूर होगा, लेकिन लिंक के माध्यम से मैं अपने फैमिली मेंबर को यानी कि आपको जरूर दूंगा। तो इसलिए अगर आपकी कंपनी का इस लिस्ट में नाम है तो भी, नहीं है तो भी, आप मात्र कुछ पैसे खर्च करके इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लें, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अपने मोबाइल में हमेशा के लिए रख सकते हैं। और जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी आपका फ्रेंड पूछे, आपको प्रोस्पेक्ट पूछे, आप तुरंत मोबाइल निकालो, उसको दिखा दो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये लिस्ट 2022 के दिसंबर में ही तैयार किया गया है, जिसमें सभी लीगल कंपनी रजिस्टर्ड हैं, जो कि आपको इस PDF में मिल जाएगा, और ये 2023-24 के लिए है। और मैक्सिमम केसेस में ये देखे गए हैं कि अगर ये लिस्ट आपके पास है और जैसे ही अपने फ्रेंड को आप ये दिखाते हैं तो ज्वाइनिंग की चांसेस 99% बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे आपकी कंपनी की शुद्धता साबित होती है और आपका फ्रेंड, आपका गेस्ट, आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत ज्वाइन कर लेता है। थोड़ा सा पैसा आपको पे करना होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मैं भी इसको पैसे देकर ही निकाला हूं, और ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि पैसे कितने लग रहे हैं, हमारा उद्देश्य तो ये है कि हमारे लिए ये लिस्ट कितना मस्ट है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप प्रोसेस को फॉलो करके इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको ये तुरंत मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो आपके पास हमेशा रहेगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।